आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग के लिए पोको M4 Pro का फुल रिव्यू, जो 6 दिन हम लोग ने यूज़ किया वो, और क्विक अनबॉक्सिंग इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सबसे पहले अनबॉक्सिंग, उसके बाद बात करेंगे कि ये 6 दिन में कैसा यूजेस दिया हम लोगों को। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास पोको M4 Pro आ चुका है, लेकिन कहाँ है फ़ोन? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पोको M4 Pro जो बॉक्स पे लिखा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डब्बा खोल लेते हैं। डब्बे के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास ये रहा बॉक्स पोको M4 Pro का, और इसके अंदर आप लोग को जस्ट अपॉन कुछ नहीं, पीला तरीके का एक डब्बा देखने को मिल जाता है। इसको अगर आप लोग हटाते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ऊपर का ही चीज दिखाने वाले, एक सिम इजेक्टर पिन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अंदर में एक केस है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बिल्ड के साथ आप लोग को देखने को मिल जाता है। प्लस में जिससे हम लोग ने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट, ये हमको पड़ा है पूरा का पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे 13,999 रुपया का, वो भी कार्ड के साथ। विदाउट कार्ड आप लोग को 16,000 रुपया पड़ेगा, कार्ड के साथ लीजिएगा तो आपको ऑफर मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैनुअल कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसका कोई भी काम नहीं है हम सबको, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते नहीं है और पढ़ने वाला काम हम लोग करते नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोन रखा हुआ मिल जाता है फुल्ली तरीके से पैकेजिंग के साथ, और जो फोन का बिल्ड क्वालिटी है, मतलब इतना बल्कि फोन है और बहुत ही ज्यादा हल्का फोन है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि फोन बहुत ज्यादा भारी है। और देख लेते हैं डब्बे में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कंपनी ने चार्जर में कटौती किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। प्लस में आप लोग को इसके अंदर पूरा का पूरा AOD का सिस्टम है, यानी कि ऑलवेज ऑन स्क्रीन, यानी कि डिस्प्ले का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो इसका फिंगरप्रिंट है वो डिस्प्ले पे है ही नहीं, तो इस बात से आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि डिस्प्ले पे है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट आप लोग को देखने को मिल जाता है, और जो केस का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। वैसे अगर हम लोग बात कर ले पोको M4 Pro का, तो उसके अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो अभी तक 13,000 रुपए के प्राइस रेंज में किसी स्मार्टफोन में जल्दी देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके स्पीकर की बात कर ले, तो डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाता है ऊपर के साइड और नीचे की साइड दोनों जगह। साथ ही साथ 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, जो इसके अंदर भी आप लोग को देखने को मिलता है, कंपनी वाले ने नहीं हटाया है। साथ ही साथ यहाँ पे आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं टाइप सी यहाँ पे आप लोग को पोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये जो रेंज है, इस रेंज में आप लोग को सुपर एमोलेड डिस्प्ले देना बहुत बड़ी बात होती है एक ब्रांड के तहत, लेकिन इसके अंदर आप लोग को सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं पोको की ब्रांडिंग आप लोग को दिख रहा है, एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड आप लोग को ये फोन देखने को मिल जाता है। और इस फोन का जो लुक है, मतलब बता ही नहीं सकते कितना मस्त लुक ही आप लोग को फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। कैमरा वाला जो ऊपर वाला आप लोग बम्प देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है पोको को अपने आप में। पोको का जितना भी स्मार्टफोन है सब बहुत ज्यादा हेवी होते थे, बहुत ज्यादा मोटा होते थे, इस बार इसको कंपनी ने बहुत ज्यादा पतला और स्लिम बनाने की कोशिश की है। पूरा का पूरा आप लोग को इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है। जो साइड फ्रेम है ये भी प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है, पीछे का है वो भी प्लास्टिक को देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर ग्लास का सिस्टम लगाया गया है। साथ ही साथ अगर फोन के अंदर की बात कर ले, तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका UI है, नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छा है अपने आप में। साथ ही साथ हम लोग पीछे की साइड बात कर ले, तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, प्लस 8+2 का आप लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों इस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके ठंडा जल्दी से बरसाए, और जल्दी जल्दी हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर प्रोसेसर की बात कर ले, तो MediaTek Helio G96 देखने को मिल जाता है। 6GB का रैम है, प्लस 3GB इसके लिए अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और साथ ही साथ 128GB का इसके अंदर स्टोरेज देखने को मिल जाता है। पूरा आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथी एंड पंची लुक आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साइड में आप लोग को साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। प्लस में आप लोग को डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो आप लोग कहीं भी अगर वीडियो अगर देखते हैं कोई भी सोशल मीडिया पे, तब आप लोग को वीडियो क्वालिटी जो निकल के आएगा वो काफी, मतलब हद तक बहुत अच्छे साउंड आप लोग को निकल के देगा, और वीडियो क्वालिटी भी अच्छे तरीके से निकाल के देगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोग को डुअल माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर 5000mAh का फुल बैटरी आप लोग को देखने को मिल जाता है। अभी तक के जनरली बहुत से स्मार्टफोन में आपको 4500mAh का ही बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन इतने कम प्राइस में आप लोगों को पोको की तरफ से मिलता है 5000mAh बैटरी। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
साथ ही साथ 33 वाट का जो चार्जर है वो आपके बहुत से काम में मदद करने वाला है, क्योंकि आपके फोन को 40 टू 45 मिनट्स में फुल चार्ज करने का पावर रखता है 33 वाट का फास्ट चार्जर। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, पूरा का पूरा बात करने वाले हैं इसी फोन के बारे में, Poco M4 Pro। अच्छा, क्या अभी हम लोग बात कर ले Poco M4 Pro का वीडियो क्वालिटी की और इमेज क्वालिटी की, तो दोनों ही अभी हम टेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो आगे वाले कैमरा से हो चाहे पीछे वाले कैमरा से हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों का पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को जस्ट अभी दिखाएंगे और वीडियो क्वालिटी दिखाएंगे, तो इसको ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को कैसा वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी लगेगा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जनरली जो अभी आप लोग Poco M4 Pro का वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं विदाउट किसी एक्स्ट्रा माइक के, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि भाई Poco M4 Pro कैसा वीडियो क्वालिटी आप लोग को निकाल के देता है। अब चलिए हम लोग जस्ट अभी सेल्फी कैमरा के टेस्ट कर लेते हैं कि उसके अंदर आप लोगों को कैसा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सेल्फी कैमरा का वीडियो है, एक सेकेंड भाई साहब, हाँ तो ये देख सकते हैं आप लोग सेल्फी कैमरा का वीडियो आप लोग को देखने को मिल रहा है, जस्ट अपॉन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है और बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी निकाल के दे रहा है आउटडोर के अंदर। दोस्तों आप लोग जो अभी कैमरा क्वालिटी देख रहे हैं जो वीडियो के अंदर, सिंपल सा Poco M4 Pro से निकल कर आ रहा है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी आपको डायरेक्टली विदाउट माइक इसके अंदर जा रहा है। तो हम लोग इसके अंदर एक चीज बताना चाहेंगे कि आपका अगर सेल्फी कैमरा ओपन है तो आप लोग पाम से भी इसमें आप लोग पिक्चर क्वालिटी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्रंट कैमरा की पिक्चर क्वालिटी यानी कि वीडियो क्वालिटी। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं सेल्फी कैमरा की वीडियो है, तो आप लोग को यकीन नहीं उड़ा हुआ तो प्लीज भाई साहब सेल्फी कैमरा, हाँ तो ये रहा सेल्फी कैमरा का वीडियो, आप लोग देख सकते हैं कैसा आप लोग को यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है सेल्फी कैमरा से। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 180p 60fps पे तो रिकॉर्ड नहीं करता, 30fps पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग को सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो ये आपका स्मार्टफोन है ना Poco M4 Pro, जिसके बारे में आज आपको पूरा क्लियर बताया था अनबॉक्सिंग करके, अब जो 6 दिन हम लोग यूज किए हैं, क्या हम लोग को लगा ये स्मार्टफोन लेने के बाद कि आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, इसमें पूरा क्लियर करेंगे, ये मेरा कंक्लूजन है। तो क्लियर सा जवाब है, इस प्राइस रेंज में आप लोग को कहीं भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलने वाला। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 1080p पे 30fps पे पीछे वाले से और आगे वाले से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा है, IP53 रेटिंग इसके अंदर देखने को मिल जाता है, या पानी के समय हल्का फुल्का छींटा डस्ट या वो कुछ भी चला जाता है इसके अंदर, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और ये फोन आप लोग के लिए अभी तक में वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप लोग को लगता है कि इसका कंपैरिजन किसी दूसरे स्मार्टफोन के साथ आना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके उसका नाम लिखिए और हम लोग इस फोन को उस फोन से कंपैरिजन करवाने वाले हैं। तो चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।